मोदी जी के आशीर्वाद से हम लोग आज यहाँ पहुँचे, सांसद भी बने और आने वाले समय में भी विश्व गुरु बनने के लिए हम हमेशा मोदी जी के साथ रहेंगे। ये बुनियाद आरोप लगा रहे थे सरकार के लोग और उनको यहाँ की जनता करारा जवाब दी है। और भाई के कहीं ना कहीं बीच में जो मतभेद होता है उसका खामियाजा आप लोगों को सर हार से मिला था, इस बार सर कैसा रहेगा? भाई भाई का गठजोड़ मजबूत रहेगा ना? निश्चित तौर पर। 24 की तस्वीर कैसी होगी सर? निश्चित पर यह आगाज है और 2024 हमारा संसदीय क्षेत्र, संसदीय चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में हम लोग परचम पर मौजूद है। खुद विकास पुरुष के नाम से प्रचलित और गिरिडीह सांसद और जो विधायक हमारी रामगढ़ की जो प्रचंड बहुमत प्राप्त कर जीती है आज, उनके पति और उन्हीं के विकास कार्यों को बताकर आज उनको प्रचंड बहुमत प्राप्त हुई। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बड़ी जन सैलाब आपके पीछे और बहुत बड़ा इससे पहले भी जन सैलाब हो रहा था, बहुत बड़े बड़े तादाद में खुद सरकार यहाँ पर मौजूद हो गई थी, बड़े बड़े आरोप लग रहे थे आपको, उसके बावजूद भी इतनी प्रचंड बहुमत में आपकी जीत। देखिए बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे सरकार के लोग और उनको यहाँ की जनता करारा जवाब दी है और निश्चित तौर पर सरकार के नाकामी को, सरकार को विरोध में यहाँ के लोग मतदान के, जो भ्रष्टाचार के विरोध में मतदान के और सरकार ने जो झूठी वादा, झूठी दलील, जो घोषणाएं की उसके विरोध में यहाँ के मतदाता मतदान किया और एनडीए उम्मीदवार को चुनाव जीता है। तीन बार प्रचंड आपको सर बहुमत से जीत दिलाया था, एक बार सर हार का सामना करना पड़ा, इस बार फिर से आपको सर भरोसा दिया आपके ऊपर सर? देखिए उन लोगों ने देख लिया विश्वास, तो एक बार यूपीए को, कांग्रेस को देखा था लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा, इसलिए जनता ने पुनः एनडीए को और आजसू को जिताया। क्या कुछ सर प्रमुख काम पहला आप करेंगे? देखिए विकास के कई एक योजनाएं हैं जो अभी धरातल पर नहीं उतर पाए, मेरा प्रयास रहेगा जिस गति से रामगढ़ का विकास हो रहा था आगे भी हम लोग उस गति से विकास। 2024 की तस्वीर कैसी होगी सर? निश्चित पर यह आगाज है और 2024 हमारा संसदीय क्षेत्र, संसदीय चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में हम लोग परचम। एक सवाल सर हमने सांसद जयंत सिन्हा साहब से भी पूछा कि भाई भाई के कहीं ना कहीं बीच में जो मतभेद होता है उसका खामियाजा आप लोगों को सर हार से मिला था, इस बार सर कैसा रहेगा? भाई भाई का गठजोड़ मजबूत रहेगा ना? निश्चित तौर पर गठबंधन हमारा मजबूत है, पिछले बार किसी कारण नहीं हो पाया जिसका फायदा मिला, यदि पिछला बार ही हम लोगों का गठबंधन होता तो आज जेएमएम का सरकार नहीं होता और हम लोगों का एनडीए का सरकार होता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्य और यहाँ पर जो 1932 स्थानीय नीति, तमाम तरह की बातें करने वाले हेमंत सोरेन सरकार, किस प्रकार से उनका लाभ और किस प्रकार से उनको नुकसान हुआ? देखिए हेमंत सोरेन जी हमेशा यहाँ के लोगों को धोखा दिया, 1932 के नाम पर बरगला, 27% आरक्षण के नाम पर बरगला, जिसको जनता ने यहाँ नकार दिया और निश्चित तौर पर सिर्फ विकास की राजनीति होगी और विकास जो लोग करेंगे वही सत्ता में। मोदी जी के पदचिन्हों पर चलकर आप काम करेंगे? निश्चित है, मोदी जी के आशीर्वाद से हम लोग आज यहाँ पहुँचे, सांसद भी बने और आने वाले समय में भी विश्व गुरु बनने के लिए हम हमेशा मोदी जी के साथ रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अभियान और सपना है कि विश्व गुरु बनाना है भारत देश को, उस सपने को कदम से कदम मिलाकर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, मतलब विकास पुरुष चंद्र प्रकाश चौधरी और रामगढ़ विधायक सुनीता चौधरी, जिनको प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ, उनके पति चंद्र प्रकाश चौधरी, आजसू के शीर्ष नेतृत्वकर्ता चंद्र प्रकाश चौधरी और विकास पुरुष के नाम से जिनकी ख्याति पूरे राज्य नहीं देश में अर्जित है, वो विकास पुरुष चंद्र प्रकाश चौधरी ने आज खुले मंच से और खुले काफिले में घोषणा और ऐलान कर दिया कि हम इस बार भारत देश को जो विश्व गुरु बनाने का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है उसको हर हाल में पूर्ण कराएंगे और इसी प्रकार का नज़ारा 2024 में भी देखने को आपको मिलेगा। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation, so many extracurricular activities and full of exposure, awarded as best preschool in eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashoknagar, in Ramgarh, near Miloni Club, Bijolia, Ramgarh, Kant.